चीन पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए मालदीव के निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने आरोप लगाया कि एक बड़ी उभरती शक्ति यानी चीन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप में जमीन पर कब्जा करने और उसकी संप्रभुता को खरीदने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक रूप से अशांत देश में इस साल होने वाले चुनाव वहाँ लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है। 50 वर्षीय नशीद देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता थे। उन्हें मार्च 2015 में आतंक के आरोपों में 13 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्हें ये सजा उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान मुख्य फौजदारी न्यायाधीश अब्दुल्ला मोहम्मद की मनमाने तरीके से गिरफ्तारी को लेकर सुनाई गई थी। उन्होंने चीन का नाम लिए बिना कहा कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को सत्ता से बेदखल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बड़ी और उभरती शक्ति मालदीव को खरीदने में लगी है। उन्होंने चीन का नाम लिए बिना कोलंबो में कहा, मालदीव के द्वीप खरीदे जा रहे हैं, हमारी महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं को खरीदा जा रहा है और प्रभावी रूप से हमारी संप्रभुता को खरीदा जा रहा है। भूमि पर कब्जा चिंताजनक है। मालदीव इंडिपेंडेंट के अनुसार उन्होंने कहा कि भूमि पर कब्जा मुक्त व्यापार समझौता विशेष आर्थिक क्षेत्र और भूमि के विदेशी स्वामित्व या फ्री होल्ड का अधिकार देने के लिए संविधान में किए गए एक संशोधन की वजह से हो रहा है। टीम इंटेलिजेंस।